थैंक यू सो मच और बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो या गुड मॉर्निंग और टाइम बज रहा है सुबह की 8 और आज के दिन की शुरुआत हो रहा है हमारे शिमला हिमाचल प्रदेश से। और आज मैं शिमला वाला जैसा लग रहा होगा क्योंकि मतलब मैंने हिमाचल का प्रॉपर ड्रेस वगैरह दिया है, जैसे कि ये जैकेट है और बैग भी है और टोपी भी है। सो या आज हम घूमेंगे फुल शिमला, शिमला को एक्सप्लोर कराते हैं आप लोगों को। और आज मेरा बर्थडे भी है तो मतलब प्रॉपर शिमला घूमने के लिए आया था और पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं इधर पहुँचा था कोई 2011 में, फिर 21-22 के बाद तो मतलब दो तीन दिन के लिए साल में एक बार पहुँच ही जाता हूँ। तो यार आज फिर शिमला को एक्सप्लोर कराते हैं। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं मॉल रोड। अभी मैं हूँ जी बाईपास शिमला में, यहाँ से मॉल रोड कोई 3 किलोमीटर है और यह हमारा बिन सफ़र बिन मंजिल का 5th एपिसोड भी है क्योंकि उसको क्लोज़ नहीं करा था और एक स्टेट से क्लोज़ करना था मुझे, लेकिन मैं कुछ काम की वजह से देहरादून से सीधा दिल्ली जाना पड़ा था। तो ये लास्ट एपिसोड और जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड वगैरह नहीं देखा 1st से 4th तक और बिन सफ़र बिन मंजिल क्या है बोल के नहीं पता तो प्रीवियस एपिसोड वगैरह देख सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना है मेरे चैनल पे ही। सो या अभी चलते हैं सीधा मॉल रोड के लिए। सो ये देख सकते हो प्रॉपर धूप है, कड़कती धूप कह सकता है क्योंकि बिल्कुल ठंड है ही नहीं, ओनली 2 डिग्री है, बस 2 डिग्री शिमला में। सुबह अभी टाइम बज रहे कोई 8 बजा ही, तो सुबह बहुत ठंड था कोई 5-6 बजे के आसपास। अभी तो बिल्कुल बढ़िया मौसम है, मस्त गर्मी है, ना ठंड ना गर्मी, ऐसा वाला मौसम है, मॉडरेट एक नंबर। तो ये फुट ओवर ब्रिज होके मैं जा रहा हूँ जी मॉल रोड के लिए। मॉल रोड के लिए चल के ही जाना पड़ता है, यहाँ तक मैं आया कोई शेयरिंग वाली टैक्सी में और यहाँ से मॉल रोड के लिए टैक्सी नहीं जाते ना इसीलिए। और थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही जी यहाँ से ट्रेन की पटरी भी है ये देख सकते हो, और यहाँ पे ट्रेन भी है, इसका डिब्बे वगैरह सब हो गया। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोगों को अच्छे व्यू में आगे जाके मॉल रोड पहुँच के ही दिखाता हूँ। उधर से प्रॉपर एक नंबर के व्यू दिखते हैं मज़ेदार। सोया मैं शिमला मॉल रोड की तरफ बढ़ ही रहा हूँ और यहाँ से चल के जाना पड़ रहा है। चलना और एडवेंचर करना और ट्रैकिंग करना मतलब मुझे उसमें प्रॉपर शौक़ है। और जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे है शिमला भी, और शिमला है कोई 7100 फीट हाइट पे और 2200 मीटर एल्टीट्यूड। सो मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने वलने में, ट्रैकिंग जैसा मतलब हाई एल्टीट्यूड पे चल रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। और मतलब ठंड भी नहीं है यार इन जगहों में, तो पहाड़ों में तो ठंड होना चाहिए ना, इस साल पहाड़ में ठंड ही नहीं है, जैसे कि हमारे लद्दाख में भी ठंड नहीं है, बर्फ़ भी काफ़ी टाइम बाद ही आया, शायद 1 फरवरी को ही आया हमारे लद्दाख में भी। सो मज़ा आ रहा है बस। ऑल राइट, अभी मैं पहुंच गया मॉल रोड। सो सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूँगा और मुझे थोड़ा भूख भी लग रहा है। और यहाँ पर और एक मार्केट भी है इस रोड के नीचे, ये मॉल रोड के नीचे, वो भी मॉल रोड में आता है, मिनी लंदन जैसा दिखता है, आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार मिनी लंदन। और यहाँ पे ये देख सकते हो यही जी मॉल रोड प्रॉपर, जहाँ से व्यू पॉइंट उधर भी है और इस साइड वाले पहाड़ वगैरह देखने के लिए व्यू पॉइंट भी है। सो बाकी आप लोगों को शॉर्ट्स वगैरह दिखाते हैं। यहाँ पर देखो आई लव हिमाचल, आई एम ऑल्सो लव हिमाचल, प्योर ऑफ माई हार्ट से हो रही। और सुबह के 8 बजे ये भी उठा है, मतलब अभी तो 8:30 बज रहा है, तो आप लोग भी सुबह उठा करो यार, समझ किया करो, ठीक है। देखो टूरिस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो गया सुबह के 8:30 बजे, मस्त धूप है। यहाँ से आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये अपना इंदिरा गांधी ये देख सकते हो, यहाँ यहाँ पर अपना हिंदुस्तान का शान था झंडा, यार ये लहरा नहीं रहे, सॉरी फॉर दैट। देख सकते हो 1 फरवरी को थोड़ा सा बर्फ आया था ना, वो यहाँ पे रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह नहीं लगा है। यहाँ पे देखो आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, सॉरी ना आइस स्केटिंग नहीं है।
अभी मैं आया हूँ मिडिल बाज़ार, और यहाँ पे अपर बाज़ार, लोअर बाज़ार, मिडिल बाज़ार भी है। सो यहाँ मिडिल बाज़ार में नाश्ता करने के लिए, नाश्ता यहाँ पे एक नंबर मिलता है, और शिमला है और पराठा ना खाए, पराठा और बटर जो देता है ना एक नंबर, क्योंकि मुझे सारा पता है, क्योंकि मैं बार बार आ चुका हूँ यहाँ पे। फ़र्स्ट टाइम आया था मैं कोई 2011 में, देन 2021 में ही पहुँचा था, बड़े टाइम बाद, लगभग 10 साल बाद, एंड 2021 के बाद। तो हर एक साल में एक दो बार आना जाना रहता है विंटर में मोस्ट प्रॉबली। सोया अभी सीधा नाश्ते के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया पराठे खाते हैं बस। थैंक यू। तो ये रही नाश्ता, मीठा चाय, दही, पराठा और बटर। ऑल राइट, अभी मैंने जस्ट नाश्ता किया मिडिल बाज़ार में, सोया, दो पराठे खाए, दो चाय और दही बटर, मज़ा आ गया, शिमला के पराठे एक नंबर। अभी मैं जा रहा हूँ मॉल रोड के लिए, पहले मॉल रोड जाएगा, थोड़ा मॉल रोड वगैरह घूमते हैं फिर से, देन इसके बाद हम जाएगा लक्कर बाज़ार, तो एक्सप्लोर कराते हैं आप लोगों को। और ये थोड़ा सा मिनी लंदन जैसा दिखता है ये वाला बिल्डिंग, स्ट्रीट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा मॉल रोड। सो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि नीचे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी है, और आइस स्केटिंग करने वाला एक फील्ड भी है, ग्राउंड जैसा, वो दिखाते हैं आप लोगों को। और काफ़ी टाइम से बर्फ भी नहीं देखा ना, लास्ट टाइम मैं घर गया था तब मैं मनाली होके गया था जून में, तब बर्फ ला चला मैं बर्फ़ था तब देखा था पिछले साल, तो विंटर में मतलब बर्फ़ मैंने देखा ही नहीं। और इस बार थोड़ा थोड़ा है, यहाँ पे 1 फरवरी को आया था ना बर्फ़ वगैरह, इधर भी आया था तब, हमारे लद्दाख में भी आया था। सो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे धूप वगैरह नहीं लग के नहीं पिघला है, बाकी तो धूप लग के कुछ भी नहीं है बर्फ़ के नाम पे, थोड़ा थोड़ा सा है। वो मैं जा रहा हूँ अभी तो उतराई में जा रहे, मज़े मज़े से आते वक्त चढ़ के आना है, तो मतलब और एडवेंचर और ट्रैकिंग हो जाएगा, मुझे मज़ा आएगा ट्रैकिंग में, मतलब बहुत शौक है। लास्ट टाइम हम घर में था ना तब हमने बहुत सारे ट्रैकिंग किया था, एक बार हमने 7 घंटा चला था, वो साफ लेक गया था ना, उधर ग्लेशियर भी था लेक भी था, बहुत मज़ा आया था, वो वाले दिन याद आ रहे। सो घर में जाके फिर से मैं ट्रैकिंग वगैरह भी जाना है, पता नहीं कब तक पहुंच पाते हैं घर, मे बी जून जुलाई 2024 में ही पहुंचेगा। देखो इस पानी पे बिल्कुल बर्फ़ जमा है, मतलब ये भी है हमारा लाइफ होता था जब हम घर में होता था 4-5 साल पहले, क्योंकि विंटर में काफ़ी टाइम हो गया ना मतलब घर से बाहर बैठ के। सो जैसे कि 11-12 के बाद ट्यूशन के लिए बाहर बैठा, विंटर में ही बैठा तब, तो फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर से तो थर्ड ईयर हो गया, इस साल 3 साल ऐसे निकल गया डेली में, विंटर में कर रहा ही नहीं, तो ये बर्फ़ वगैरह बहुत मिस कर रहा हूँ। ये देखो तो हमारे घर में भी होता है विंटर्स में, ये देखो थोड़ा थोड़ा बर्फ। हेलो गाइस, कहाँ जा रहा है बंदर बंदर भी, सॉरी आई एम सो सॉरी, मुझे मत मारो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बर्फ नहीं पिघला, मैं तो डर गया यार सच में। ये देखो इनका लड़ाई हो रहा है, हाय 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 हाय। मजा आ रहा है, थोड़ा सा बस इन बंदरों को डर रहा हूँ यार, ये लोग पता नहीं, आय हाय हाय। मजा आ गया। सो ये रही शिमला की आइस स्केटिंग ग्राउंड फील्ड जो भी कहता है, आई लव आइस स्केटिंग, शिमला स्केटिंग क्लब लिखा है यहाँ पे, जूम करके दिखाता हूँ ना, ये देख। लेकिन इस बार गर्मी है ना मतलब प्रॉपर ठंड है ही नहीं, ये देखो थोड़ा ही है, ये देखो बिल्कुल पिघल गया ना के बराबर रह गया, मान के चलो कोई 60% ही रह गया, ये देखो ये सब पिघल गया। और ये वाली साइड भी
वो मतलब थोड़ा ही रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी बर्फ बर्फ लगा है। देख, यही देखने के लिए आया था मैं ऊपर से, इससे भी ऊपर। ये तो अभी ये वाले रोड से भी और चढ़ाई है। सो अभी हम चलेंगे सीधा लक्कर बाज़ार। लक्कर बाज़ार तो इधर ही है, क्योंकि ऊपर से दिख रहा था ना, मतलब ये मॉल रोड के नीचे ही है, तब जूम करके देखा था। सो अभी तो लक्कर बाज़ार के सामने ही पहुँच गया, अभी यहाँ से सीधा लक्कर बाज़ार के लिए निकल जाएंगे, वो दिखाते हैं आप लोगों को, देन अपने को जाना है संजोली भी। राइट, अभी हम पहुँच चुके हैं लक्कर बाज़ार। ये देख सकते हो लक्कर बाज़ार में लकड़ी ही मिलता है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारा लक्कर बाज़ार। ये देखो ओरिजिनल लकड़ी, इसको हमारे ज़बान में करलबू बोलता है, सीधा सीधा करलबू है, बिल्कुल सीधा सीधा लकड़ी। देखो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, इसको प्रॉपर अच्छे से बनाया है, तो यहाँ पे सेल होता है लक्कर बाज़ार में, दूर दूर तक यही है। देखो ये व्यू आप लोगों को कैसा लगा, बहुत अच्छा व्यू था, अमेजिंग था, एक नंबर था। सो अभी मैं हूँ लक्कर बाज़ार में, ये व्यू इसको एंजॉय कर रहा था और आप लोगों को भी दिखाया, और अभी मैं जा रहा हूँ संजोली। संजोली यहाँ से कोई 2.5 किलोमीटर है, और ये टनल पार करते ही बस मिलता है, यहाँ से कोई 2.5 किलोमीटर है। शिमला आए और संजोली ना जाए, मतलब संजोली द हार्ट ऑफ शिमला कहा जाता है, और शिमला तो क्वींस ऑफ हिल भी कहा जाता है, जैसे कि है ही, कहना क्या है, आप लोगों को लाइव दिखा भी रहा हूँ क्वींस ऑफ हिल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था मसूरी में भी क्वींस ऑफ हिल उत्तराखंड में मसूरी को कहा जाता है ना, सेम उसी तरह शिमला को भी क्वींस ऑफ हिल कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। और मॉल रोड में चर्च भी दिखाया था आप लोगों को, मसूरी में भी, इधर भी आप लोगों को दिखाया, और बस थोड़ा सा कमेंट वगैरह कीजिए, अच्छा लगेगा, मतलब कुछ फीडबैक वगैरह आना चाहिए ना, मतलब कुछ भी जो भी अच्छा लगे तो तब भी कमेंट करें, बुरा लगे कुछ गलती वलती है तो वो भी कमेंट कीजिए, कुछ हमसे गिला शिकवा हो गया तो सॉरी उसके लिए, तो आज खुशी का दिन है, बर्थडे है, तो माफ़ कीजिए। और अभी हम चलते हैं सीधा संजोली, इधर से बस पकड़ते हैं टनल पार करके, टनल भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, टनल कहेगा शॉर्ट, तो टनल के दोनों साइड से चलने को रास्ता बनाया है, बीच से गाड़ियाँ चल रहे, और साइड से ये पेंटिंग देख सकते हो है ना, एक नंबर। इस साइड वाला ज़्यादा मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इस साइड ही चल रहा हूँ ना, ये वाली साइड देखो आप लोग। और ये रहा जी गुरुद्वारा साहिब संजोली, गुरुद्वारा संजोली साहिब बोला जाता है, जैसे कि सभी गुरुद्वारे के बाद में साहिब होता ही, जैसे कि हिमाचल पोंटा में भी एक है गुरुद्वारा पोंटा साहिब, और अपना लद्दाख में भी एक है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और जैसे कि दिल्ली में भी एक है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो मतलब साहिब जो है ना, इनका एक गुरु का नाम था, मतलब जो पहले आदमी अभी जो नहीं है उसी के नाम पर रखा जाता है, हर गुरुद्वारे के नाम पर, पहले गुरुद्वारे का नाम देन लास्ट में साहिब तो होता ही है, ये मतलब रेस्पेक्ट ले रखा जाता है। सो अभी मैं हूँ जी संजोली के मॉल रोड में, संजोली की मार्केट में भी बोल सकते हैं, मॉल रोड भी बोल सकते हैं, संजोली के मार्केट में ही हूँ। सोया जैसे कि शिमला के मॉल रोड वगैरह मैं अभी जस्ट घूम के आया, और मुझे शिमला के मॉल रोड से भी अच्छा लगता है संजोली की मॉल रोड, बहुत मज़ा आता है इसमें घूमने के लिए। और यहाँ पर तो नए नए बिल्डिंग भी बन रहा है, अभी लास्ट टाइम मतलब इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह चल ही रहा था, ये देखो बहुत बड़ा मॉल वगैरह बनता होगा शायद, मे भी प्रॉपर तो मैं नहीं कह सकता है ना। मसूरी बोल रहे यार संजोली की, संजोली द हार्ट ऑफ शिमला की, संजोली द हार्ट ऑफ शिमला की है यार, क्वींस ऑफ हिल शिमला ना। ऑल राइट, अभी मैं जस्ट व्यू पॉइंट पे ही खड़ा हूँ, और अब मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे ये बिल्डिंग जो लगते हैं ना इधर के, एक नंबर लगते हैं, कम्बिनेशन ग्रीन और रेड कलर की शीट जो है ना, मतलब शीट लगाया यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग पे, तो
तो वो बहुत एक नंबर लगता है, वो वाली व्यू दिखाता हूँ। एंड देन उसी के अपोजिट साइड में भी क्वींस ऑफ हिल भी है, वो भी दिखाता हूँ, बस आप लोग इंजॉय करें। हे जी संजोली चौक, यहाँ से मैं जाके व्यू पॉइंट वगैरह देख के आया इस साइड, और अभी मैं इस साइड वगैरह जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. और थोड़ी देर पहले मैं इस मॉल के सामने खड़ा था, जो मतलब अभी बंद रहे ये मॉल, तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हो, वो भी चल के क्वींस ऑफ हिल देखो। विशाल मेगा मार्ट, सोया अभी मैं विशाल मेगा मार्ट के पार्किंग पे ही हूँ, और ये जिप्सी देखो यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो हमारा लद्दाख में कहा जाता है पहाड़ों की रानी लॉर्ड अल्टो, वो मतलब सही भी पहाड़ में यही कहा जाता है इसको, लॉर्ड अल्टो और पहाड़ों की रानी, यही जहाँ 4x4 वाली गाड़ी नहीं निकलते ना उधर शू निकल जाता है लॉर्ड अल्टो, ये भी मुझे बहुत पसंद है। सोया जैसे कि मैं हाई एल्टीट्यूड पर घूम रहा हूँ अभी, ये है जी 7100 फीट हाइट ही है, तो मतलब मुझे हाई एल्टीट्यूड पर घूमना इतना शौक है, पसंद है, मतलब शौक है मेरा हाई एल्टीट्यूड पे एक्सप्लोर करना। जैसे कि 3 स्टेट मुझे बहुत पसंद है, यूटी भी कह लो, जैसे कि हमारा लद्दाख तो यूटी ही है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ओबियसली लद्दाख, सेकंड हिमाचल, प्रॉपर हिमाचल बोलो, शिमला मनाली खोदरी हिमाचल सब जगह देख के प्रॉपर हिमाचल मुझे सेकंड, थर्ड मुझे पसंद है जी देहरादून, इन तीनों हिमालयन मुझे बहुत पसंद है, और हाई एल्टीट्यूड पर जाना बहुत पसंद है। और हमारे लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड मोटरेबल रोड कहा जाता है ना, वो भी हमारे लद्दाख में ही है, लेह लद्दाख में 19,000 समथिंग कुछ फीट पे है उमलिंगला, और उससे नीचे है सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड मोटरेबल रोड बोल के खरदुंगला, उससे थर्ड पे कह सकते हैं तंगलंगला, बस मैं 17,000 कुछ पे ही पहुँचा है अभी तक, और मुझे शौक है अभी मैं 18,000-19,000 पहुँचेगा यार, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा, उधर में भी पहुंच जाएगा तो ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे कि और मुझे हिमालयन में और एक कंट्री भी पसंद है, बहुत पसंद है, शौक है मतलब उधर भी जाने का, भूटान, ओह हाय हाय, उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी देखा और थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी, लेकिन मतलब उधर जाना मेरा एक ड्रीम प्लेस होता है ना हिमालयन में, वो है मेरा भूटान, और उसके बारे में मुझे 10-20% नॉलेज कह सकते हो, मैं जान चुका हूँ। जैसे कि उधर का सबसे अच्छा मुझे लगा है कि ट्रैफिक रूल, जितने भी ट्रैफिक होता है ना वो लोग कोई हॉर्न बजाते हैं, बस बिना हॉर्न बजाए हुए उधर गाड़ियाँ वगैरह चलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी और भी सारे चीज़ें मैं जान चुका हूँ भूटान के बारे में, लेकिन सारा इसमें का आ जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह उधर कभी पहुँचते हैं तो ड्रीम प्लेस है, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा तो प्रॉपर बताते हैं जितना हो सके। सोया अभी मैं विशाल मेगा मार्ट के पार्किंग पे ही हूँ, और बहुत गर्मी भी लग रहा है, इतना गर्मी हो गया एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इस साल पहाड़ों में जो ना बहुत गर्मी है, इस साल सिटीज़ में बहुत ठंडा था, अभी तो दिल्ली में भी फरवरी के 7-8 के बाद बहुत मज़ेदार मौसम हो चुका है, क्योंकि अभी धूप वगैरह भी आ रहा है और थोड़ा सा पॉल्यूशन जो ना कम हो चुका है दिल्ली में। जनवरी में तो इतने ठंड था, तब मैं मसूरी गया था ना उधर बहुत गर्मी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं इस साल सिटीज़ में बहुत ठंड था, आप लोगों को भी पता है, जम्मू बोलो चंडीगढ़ में भी गया था उधर भी बहुत ठंड था, इस साल पहाड़ों में मज़े है। लास्ट टाइम बर्फ़ ही तो आया बस यही फरवरी के 1-2 को, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बर्फ़, और मनाली जाता तो बर्फ़ मिलता, इधर तो कुछ नहीं मिला, बर्फ़ वगैरह थोड़ा थोड़ा मिला जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और आइस स्केटिंग वाले ग्राउंड भी बिल्कुल पिघल चुका है, इस साल बहुत गर्मी ना है, देख सकते हो कड़कती धूप है। सो अभी थोड़ा सा इस विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं, कुछ देखते हैं, इस समर बहुत ही बढ़िया ऑफर चले है कैश काउंटर के सामने, ये देख सकते हो क्या ही एनर्जी है यार, क्या है कैसे बोल रहे, बिल्कुल ऑफर वगैरह है ये वो, बाकी अपन लोग भी कुछ वगैरह देखते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई आज, ओए हाय हाय, 300 बस कर बहन, कान बहरा कर रहे हैं क्या, सो देखते हैं हम भी क्या क्या है इसमें, हमारे सभी
बहुत शोर कर रहे हैं। होता कुछ नहीं लेकिन छोटे मोटे चीजें वगैरह देखते हैं। ऑल राइट, ज़्यादा तो कुछ पसंद नहीं है, बस छोटे भाई के लिए ये 2-3 स्वेटर उठाया। सो ये ऑफर पे भी था कि 259 वाले कम हो के 179 में है, तो बस यही उठाया। और ये चॉकलेट 2 उठाया, और ये बिस्किट 1 चॉकलेट पैक 3 था, 49 का था, बाय 1 गेट 1 फ्री था। और ये खा के कोई मुझे बुड्ढा मत बोलना, पार ले जी ये बहुत अच्छा बिस्किट है, ये पुराने ज़माने का ना, थोड़ा सा ये वगैरह मैं कम खाता हूँ जब ये मिले तो, बाकी तो ये ओरियो भी खाता हूँ लेकिन ये मिले तो ये खाता हूँ, इससे बेस्ट मुझे लगता है। इन सब का बिल वगैरह करते हैं, निकलते हैं बस। सोया विशाल मेगा मार्ट में से शॉपिंग वगैरह हो गया थोड़ा सा, और भाई के लिए 2-3 स्वेटर उठाया लास्ट में, और एक भी पसंद आया वो भी उठा के लाया। तो बिलिंग वगैरह करके बस अभी जस्ट आ गया, बैग देखो फुल हो गया, इसमें मैंने सिर्फ एक स्वेटर ही लेके आया था, अगर ठंड वगैरह लगे तो बोल के, बस अभी ये फुल हो गए, बारी हो गई है यार। सो अभी चलते हैं सीधा, ये घूमते फिरते आगे निकल जाएंगे, फिर मॉल रोड के लिए भी निकलना है मुझे। बाकी आगे की कहानी आ गया, मॉल रोड में ही पहुँच गए। मॉल रोड जाने के लिए लिफ्ट में था बहुत भीड़, सो मैं चल के ही जा रहा हूँ, और चलने में क्या अपने को पसंद भी है, और छोटा सा और ट्रैकिंग हो जाएगा, मज़ा आ रहा है। बस चढ़ाई 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 है बस सीधा, और तो कुछ नहीं है, 2-3-4 मोड़ आएगा, चढ़ाई चढ़ाई होते हुए जाएंगे। ये देख सकते हो साइड से सीढ़ी भी बना है, इधर से प्लेन भी है, प्लेन प्लेन से चलते हैं अपने को। क्या गर्मी तो है शिमला में भी, धूप बिल्कुल तेज़ धूप है, मज़ेदार गर्मी है, तो इसको चेस करते हैं। बढ़िया बढ़िया ठंडा है। हेलो, से सब्सक्राइब, से सब्सक्राइब ओके के। सो या अभी मॉल रोड की तरफ ही बढ़े, और लिफ्ट से मैं पहले ही पहुंचा चल के, लिफ्ट अभी जस्ट पहुंच गया, मैं थोड़ा सा आगे आके देख रहा था ना, तभी ही पहुंचा था लिफ्ट। और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है, वो पब्लिक में भी व्लॉग कर रहा है, आप वो शर्म वरम सब गया, आप प्रॉपर पब्लिक में भी करता, और थोड़ा सा लद्दाखी भी था उनके सामने, तो कैमरा निकाल के जेब में लिया, थोड़ा सा शर्म आ रहा था, लद्दाखी था तो उधर जब मैं गया था ना विशाल मेगा मार्ट, आपके यहाँ के लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं शर्म आ रहा है, ये देखो अपने पब्लिक है, इनके बीच में भी कर रहा हूँ। सोया अभी मैं मिडिल बाजार के तरफ फिर से जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, यहाँ पे हॉर्स भी है, हॉर्स राइडिंग तो हम करेगा ही करेगा। और ये देख सकते हो अभी कितना भीड़ है, सुबह जब मैं आया था तब तो कुछ भी भीड़ नहीं था, और ये फवारे वगैरह भी अभी चलने लगा, और यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेचू भी बना है, और यहाँ पे आई लव हिमाचल लिखा है, ये भी एक व्यू पॉइंट है, इधर से होके जाते हैं उधर से भी आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, अमेजिंग व्यू दिखाने के लिए तो मैं आया, और ख़ुद का बर्थडे पे स्पेशल जगह को एक्सप्लोर कराने के लिए आप लोगों के लिए। बस ये देख सकते हो पानी फवारे की, माता जी। ऑल राइट, सोया अभी हॉर्स राइडिंग पे बैठ गया मैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, पुराने यादें ताज़ा हो गया। सो 2 साल पहले बैठा था, पिछले साल तो नहीं बैठा था, पिछले साल में और फयाज भाई आया था, उसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, और मैंने उसको फ़ोन भी किया, वो बोल रहा था यार तू बता कि नहीं गया, मैं भी जाता साथ में, मैं अकेले ही आना चाहता था बर्थडे पे। सो अपने आप को जान पाता है ना सोलो ट्रैवल पे, सो मुझे कई बार मैं सोलो ट्रैवल भी करता हूँ क्योंकि अपने आप को जानने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले इस पे हॉर्स राइडिंग किया था, तब था जी इसका दाम कोई 100 रुपये, अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है, ज़्यादा तो क्या ही 150 ले रहे, तो ये रिज मैदान का राउंड लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये एक फ्लैग दिख रहा है ना इंडिया फ्लैग, उधर से इधर तक और थोड़ा सा नीचे भी ले जाते हैं, ये देख सकते हो रिज मैदान पर क्या ही भीड़ है, हाय 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 मज़ा आ रहा है बस।
छोटा शहर उनका शिमला था घर, मतलब भूल गया यार, ज़्यादा मुझे याद नहीं। थोड़ा सा मैंने अभी स्टोरी पे जाते अदू वाला सुना था सॉन्ग, छोटा शहर शिमला उनका प्लांज याद उनका, ऐसा कुछ करते था। तो यार बड़े ही हैपनिंग फील कर रहा हूँ, अमेजिंग मज़ा आ रहा है बस। ये देख सकते हो यहाँ से हम शुरू किया था राइट, यहाँ पे कितना हॉट है, मेरा एक पैर का वो स्टैंड जो है ना छूट गया, फिर भी यार अपने वादा देखो, ये डर वार नहीं है। ये देख सकते हो, ये देखो छूट गया है, इस पर लगा है, देखो मैं आपको कैसे दिखा दूँ, दिख गया ना। चलो मज़ा आ रहा है, अभी उधर सब जाता है लक्कर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं अभी हम, अभी लक्कर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं ना भैया। हाँ मुझे तो पता है यार, फर्स्ट टाइम थोड़ी नहीं अपना, हाँ कोई 6-7 बार आया होगा, 2-3 बार तो मैं कज़न ब्रदर के साथ आया था, इमरान और जीशान भाई के साथ, उसने मुझे छोटे में काफ़ी टाइम घुमाया यार, यहाँ से वापस ले जा रहे हैं। हाय 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 मज़ा आ गया, लेकिन एक नंबर हो गया अपना राइड। यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ, एक मिनट भैया, यह पैर इससे निकला नहीं ना। हाँ निकल गया अभी, शुक्रिया शुक्रिया। सो मज़ा आ गया, ऑल राइट ये रहे व्यू पॉइंट से व्यू, बिल्कुल डार्क दिख रहा है यार। थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पर वीडियो बनाते हुए जा रहा था, कुछ से मिला तो इन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और कहाँ से पूछ रहा था, तो मैं घूमने के लिए आया था लद्दाख से बोला, एंड देन मेरा बर्थडे था इसीलिए घूमने के लिए आया, तो सभी विश कर रहे हैं थैंक यू सो मच वन सेकेंड, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी अभी मैं वीडियो बनाते हुए आगे ही बढ़ रहा था, तो इधर काफ़ी सारे मिले, आप वीडियो बनाते हो बोल के पूछा, हाँ फिर मैंने हाँ करा, तो उन्होंने मुझे बर्थडे विश वगैरह क्या कहा, क्यों आया था ऐसे ऐसे पूछा, कहाँ से बोला, तो फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया ख़ुद को, वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ ऐसे ट्रैवल वगैरह का, और मैं लद्दाख से बोलने से सब खुश हो गए, देन मुझे बर्थडे विश वगैरह किया, वो वाले क्लिप्स मैं अभी डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी अभी मैं मॉल रोड से जा रहा हूँ वापस, और मॉल रोड में फिर से वापस आ गया था वो पॉपकॉर्न वगैरह ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिला। खैर अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ, पहले मैं यहाँ से जाऊँगा लवर बाज़ार थोड़ी देर घूमेंगे, उसमें कुछ वगैरह कंटेंट वगैरह मिले तो इसी में अटैच कर लेता हूँ। सो बाकी मैं बर्थडे के दिन इधर आया था घूमने के लिए, और मुझे वो शौक नहीं है कि बर्थडे का मतलब केक वगैरह, ये देखो यहाँ केक के नाम पर केक है, केक वगैरह काट के पार्टी वगैरह करना बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मेरा 20-22 साल हो गया ना, मैंने आज तक बर्थडे मनाया और मेरा बर्थडे किसी को भी नहीं पता था, एक आध फ्रेंड को ही पता था, उन्होंने विश करके। सो मैंने कल लास्ट वीडियो में बोला था बर्थडे बोल के, तो मतलब मैंने ही बोला था दिन बर्थडे वगैरह का, विश काफ़ी सारा किया इंस्टाग्राम पर। सो थैंक यू सो मच उसके लिए जिन जाने ने भी किया। और अभी मेरा 10 बजे की बस है दिल्ली के लिए, सुबह कोई 6-7 बजे पहुँच जाएंगे, एंड देन मुझे लोसार के लिए जाना है, नेक्स्ट वीडियो लोसार के आएगा, नेक्स्ट लेवल ही आएगा, तो मतलब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखें, बहुत सारे ने सब्सक्राइब किया लेकिन वीडियो नहीं देखे क्योंकि बेल आइकन प्रेस ही नहीं है ना, इसीलिए उनको नोटिफिकेशन आता ही नहीं, तो मतलब जिन ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को भी दबा के रखें क्योंकि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बर्थडे वाले दिन खुशी के दिन होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जिसने भी लाइक नहीं किया हो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, और अभी तक वीडियो में बने हैं तो लाइक एक करके जाना और एक कमेंट भी। बाय बाय।